औरत की शर्मगाह में तेज़ी से झटके मारने के 3 नुकसानात। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, जब मर्द औरत के कपड़े उतार कर उसकी शर्मगाह को नंगा कर लेता है तो मर्द के सर पर औरत की शर्मगाह सवार होती है और फिर मर्द जल्दी जल्दी औरत के अंदर नफ्स डालने की कोशिश करने लगता है, मगर अदाब हम बिस्तरी के असूलों के मुताबिक ऐसा बिल्कुल भी जायज़ नहीं। और मर्द को चाहिए कि औरत की शर्मगाह में नफ्स डालने से पहले औरत को अच्छी तरह गर्म करे ताकि औरत मर्द के साथ हम बिस्तरी का पूरा लुत्फ उठा सके। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको औरत की शर्मगाह में तेज़ी से झटके मारने के 3 नुकसानात बताएंगे। नंबर 1, औरत की शर्मगाह में तेज़ी से झटके मारने से मर्दों का नफ्स दरमियान से टेढ़ा हो जाता है और नफ्स की टोपी साइज में छोटी होने लगती है। तेज़ झटके मारने से नफ्स की लंबाई और मोटाई में कमी वाकई होती है और मर्दों का नफ्स फूलने लगता है। नंबर 2, औरत की शर्मगाह में तेज़ी से झटके मारने से औरत को शदीद तकलीफ महसूस होती है और औरत चीखें मारना शुरू कर देती है। औरत की शर्मगाह का मुंह आगे से खुल जाता है और औरत की शर्मगाह ऊपर से फूल कर सूख जाती है, जिससे औरत के लिए चलना फिरना मुश्किल हो जाता है और ऐसी औरत फिर मर्द को अपने शर्मगाह के करीब तक नहीं आने देती। नंबर 3, औरत की शर्मगाह में तेज़ी से झटके मारने से शर्मगाह के मसल्स ढीले पड़ जाते हैं। तेज़ झटके मारने से मर्दों का नफ्स औरत की बच्चादानी में जाकर जख्मी कर देता है, जिससे औरत को हमल नहीं ठहरता और औलाद जैसी नेमत से महरूम हो जाती है। ज्यादा तेज़ी से झटके मारने से मर्दों की मर्दाना ताकत जल्दी ख़त्म हो जाती है और मर्दों की कमर में अक्सर दर्द रहने लगता है।